में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। पूरे देश में चल रहे किसान माह के कार्यक्रमों की कड़ी में सिंगरौली जिले में भी किसान संगोष्ठी गत दिवस ग्राम पंचायत क्षेत्र कोरसर गांव में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह द्वारा किया गया। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र कोरसर गांव में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अन्य कई सारी जानकारियां दी। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह द्वारा किसान संगोष्ठी आयोजित की गई। इससे किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सब्सिडी योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जिसमें राज्यसभा सांसद द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गई। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता विधायक अमर सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह, गिरीश द्विवेदी, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष राम निवास शाह सहित अन्य कई ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनके जन्म सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत अजय प्रताप सिंह जी आज माननीय सांसद जी राज्यसभा वो यहाँ आए कोरसर ग्राम पंचायत में और सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम किसानों को संबोधित किए, जिसमें उपस्थित रहे क्षेत्र के विधायक अमर सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह, गिरीश द्विवेदी जी पूर्व जिलाध्यक्ष एवं राम निवास शाह पूर्व जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता जी। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर के लिए 5 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए दिया। पूर्व में रीति पाठक के द्वारा 4 लाख रुपए दिए गए थे और 5 लाख इनके द्वारा, जिससे उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को पढ़ने के लिए जगह हो जाएगी पर्याप्त, तो उन्होंने ये दिया। किसानों की समस्याओं को सुना और किसानों के संबंध में जो नीतियाँ सरकार की थी वो उनको बताया, जागरूक किया, जिसमें कृषि विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे और ग्रामीण जनों से मिले, कोरसर ग्राम पंचायत के ग्रामीण जनों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, उनका उत्साहवर्धन किया और भविष्य में जो समस्याएं हैं उनके संबंध में उन्होंने ये कहा कि अपना वो दिया कि लोग उनसे संपर्क करें, अगर कोई समस्या आती है तो मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।